वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत आप सभी का सिमरी एक नए वीडियो में। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफ्यूम कोरियन बेवरेज के बारे में, जिसे एमएक्स प्लस के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। बेसिक इन्फो की बात करें तो इसके सीन में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। अभी तक केवल 8 ही एपिसोड रिलीज किए गए हैं, वो भी मल्टीपल लैंग्वेज में। आगे के जो एपिसोड है वो आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे। इन एपिसोड को एक एक घंटे के अराउंड रख करके प्रेजेंट किया गया है, बट इनके अगर इनको 30 मिनट के अराउंड रख करके प्रेजेंट किया जाता तो इसमें आपको 32 एपिसोड देखने को मिलते। तो अब मैंने इन 8 एपिसोड को देख लिया है, तो इनको देखने के बाद मुझे ये ड्रामा कितना अच्छा लगा है, अभी तक कितना बुरा लगा है, और इसमें आपको एग्जैक्टली देखने को क्या मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर आपका टाइम देना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, आज की इस वीडियो में आपको मैं यही एग्जैक्टली बताने वाला हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देर लगाए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अब अगर मुझे इस सीरीज को आपके लिए एक लाइन में डिफाइन करना होगा तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, स्वीट, सिंपल और एंटरटेनिंग। बेसिक प्लॉट की बात की तो इसकी जो कहानी वो फॉलो करती है मिन जे ही के कैरेक्टर को, जो कि काफी सिचुएशन से घिरी रहती है। आई मीन उसका जो हस्बैंड है उसको चीट करता है और साथ साथ ओवर वेट भी हो रखी है, जिसकी वजह से इन सिचुएशन से परेशान होकर वो डिसाइड करती है अपने आप को मारने का। बट अनफॉर्चुनेट उसकी लाइफ में कुछ मिस्टीरियस चीजें घटती हैं और उसको एक मिस्टीरियस परफ्यूम मिलता है। और दूसरी तरफ जब मिन जे ही परफ्यूम का यूज करके यूडो के कैरेक्टर से मिलती है, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, साथ साथ वो फोबियाज और एलर्जी से परेशान रहता है। सो उसके बाद इन दोनों की लाइफ में जो भी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो वो मिस्टीरियस परफ्यूम है वो कहां से आया है, उसके पीछे की फैंटेसी का राज क्या है, और एट द एंड मिन जे ही के साथ क्या होगा, इसके बीच में जो भी ट्विस्ट आएंगे, उन्हीं सारे को जानने के लिए आपको इस ड्रामा को सुस लेकर के अंत तक देखना पड़ेगा। देखो, अब अगर इन 8 एपिसोड के बेसिस पर जिनको मैंने देखा है, अगर मैं इसकी स्टोरी के बारे में बोलूं तो इसकी जो कहानी वो काफी ज्यादा सिंपल है, बट इसकी स्टार्टिंग उस हिसाब से कर दी जाती है जिसकी वजह से आप इस कहानी के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हो और इसकी मिस्ट्री को लेकर के आप इन्वेस्टेड फील करते हो। कहानी के बीच में जो आपको कॉमेडी के सीन्स देखने को मिलते हैं वो आपको ठीक ठाक ढंग से एंटरटेन करते हैं, बट अगर मैं हिंदी डब्ड डायलॉग्स की बात करूं तो वो गजब ही है। कैरेक्टर के बीच में जो आपको केमिस्ट्री देखने को मिलती है, उनमें जो आपको पोटेंशियल नजर आती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी डेवलपमेंट भी की गई है, जिसकी वजह से आप उनके स्लिमनेस एंड ओवरऑल आप उनकी जर्नी के साथ हुक एंड बुक रहते हो। परफ्यूम रिलेटेड जो आपको एक फैंटेसी टच के साथ जो मिस्ट्री देखने को मिलती है वो डेफिनेटली आपको एक्साइट करके रखती है, और आप जानने के लिए एक्साइटेड रहते हो कि भाई इसके पीछे के राज क्या है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस ड्रामा का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर और मेंशन करूंगा, इस सीरीज में जो आपको फैट गर्ल से नॉर्मल गर्ल में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, या फिर उस टाइम जो आपको थंडर की लाइटनिंग सुनने को मिलती है, जिस हिसाब से आपको साउंड सुनने को मिलता है, या फिर जिस हिसाब से उसमें चीजों को VFX के थ्रू मैनेज किया गया, उसकी जो डिटेलिंग थी वो भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी है। निगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस कोरियन सीरीज में जो आपको प्लॉट देखने को मिलता है वो आपको बिलीवेबल नहीं फील होता है। काफी सेंसिटिव मुद्दे को ह्यूमरस वे के साथ प्रेजेंट किया गया है, बट उसका इंपैक्ट उतना प्रॉपर नहीं निकलता है। बाकी अभी तक मुझे एक चीज और फील हुआ कि इसकी कहानी को थोड़ा स्ट्रेच करके प्रेजेंट किया गया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आप एक ऐसा कोरियन ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें आपको फैंटेसी के साथ रोमांस का तड़का देखने को मिले, एक काफी सीरियस टॉपिक को अच्छे डायरेक्शन के साथ ह्यूमरस वे के साथ प्रेजेंट किया गया हो, और उसमें ओवरऑल आपको थोड़ा मिस्ट्री वगैरह देखने को मिले, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोरियन ड्रामा को चेकआउट कर सकते हो। बट इन केस अगर आप उस ऑडियंस की कैटेगरी में आते हो जो कि मासी एंटरटेनमेंट टाइप की चीजें देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस ड्रामा को स्किप कर सकते हो। अदरवाइज अगर बात की मैं, तो अभी तक मैंने इस ड्रामा को ठीक ठाक ढंग से एंजॉय किया है, इसलिए मैं इस ड्रामा को ओवरऑल जज करते हुए रेट करूंगा 7.3 आउट ऑफ 10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया तो कमेंट में बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा है, और इन केस अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लेना। मैं फिर से मिलता हूं नए वीडियो में, टिल देन